तो संघ की असंघवाद की परिभाषा हुई, संघवाद के प्रकार हुए, और हमारे संविधान में संघवाद के लिए राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश, इन सब का भारत एक संघ। अब है कि भारतीय संघ व्यवस्था के आधारभूत तत्व क्या। अब इसके जो आधारभूत तत्व है उनको अपन निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके अंदर शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करने के लिए हमारे संविधान में 3 सूचियां दी गई, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन सूचियों के द्वारा जो 3 सूचियां बनाई गई, कितनी सूची, केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र या संघ सूची में जितने विषय होते हैं उन सब पर, उन सब के ऊपर केंद्र सरकार को या संघ सरकार को नियम या कानून बनाने का अधिकार है, उनके ऊपर नियंत्रण संघीय सरकार या केंद्र सरकार का रहता है। राज्य सूची में जो विषय लिए गए वो राज्यों के नियंत्रण में रहते हैं, उनके ऊपर राज्य नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तीसरी जो संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में कुछ विषयों पर केंद्र सरकार या संघीय सरकार कानून बनाती है और कुछ विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट शक्तियां वो किसके पास है, वो केंद्र सरकार या संघ सरकार के पास। इस प्रकार शक्तियों का, शासन की विभिन्न शक्तियां उनका स्पष्ट विभाजन किया गया है कि संघीय सूची में कौन से होंगे, राज्य सूची में कौन से होंगे और संवर्ती सूची में कौन से हैं, और जो अवशिष्ट शक्ति है वो संघीय सरकार या केंद्र सरकार को प्राप्त है। इस तरह से हमारे संविधान में जो संघीय सूची है, संघीय सूची में 97 विषय, संघीय सूची के अंदर 3 सूची है, संघीय सूची में है 97 विषय। संघीय सूची में कितने विषय है, 97। राज्य सूची में है जो जिस पर राज्य कानून बनाता है उसके अंदर है 66, और संवर्ती सूची में है 47। संघीय सूची में कितने हैं, 97। इनके ऊपर केंद्र सरकार या संघ सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में है 66, इनके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है। संवर्ती सूची में है 47, इनके ऊपर, इनमें कुछ विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अब इसके अतिरिक्त जो विषय दिए जाते हैं
जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो समस्त संघीय सरकार को या केंद्र सरकार जो प्राप्त है वो सब किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को या संघीय सरकार को प्राप्त। अवशिष्ट जितनी भी शक्ति है उनका उपयोग कौन करते हैं? केंद्र सरकार। इस प्रकार जो केंद्र है संघ है वो अधिक शक्तिशाली है, इसलिए भारत को अपन केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद मानते हैं। भारत को केंद्रीय वर्चस्व वाला संघ माना, संघवाद माना जाता है। क्यों? इसलिए कि 97 विषय जो संघ सूची है केंद्र कानून बनाता ही, और जो 47 विषय 47 इन पर कुछ पर राज्य बनाता है और कुछ के ऊपर कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। तो इसमें भी केंद्र का, और इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट शक्ति है, जो अवशिष्ट शक्ति है अन्य रह गई वो किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। इसलिए केंद्र सरकार को मजबूत माना जाता है। इसीलिए भारत ने केंद्र की मजबूत स्थिति को देखते हुए कि भारत में केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद माना जाता है। तो संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व में प्रथम तत्व था शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। इस आधार सूचियों के संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति सब संघ सरकार के पास। इस पर तो पहला तत्व क्या था? शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। दूसरा संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय व्यवस्था भारत में है, परंतु भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हमारे संविधान द्वारा की गई, जो कि व्यवस्थापिका का उसमें कोई दखल नहीं होगा। यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होने के कारण इसमें विधि का शासन स्थापित किया गया है, और विधि का शासन यदि केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो गया किसी विषय के ऊपर या अन्य कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा स्वतंत्र न्यायपालिका जो हमारे संविधान ने स्थापित की है वो उसका निपटारा करती है, और संविधान के प्रावधान के अनुसार ही उसका निपटारा किया जाता है। और न्यायपालिका में जो सर्वोच्च संस्था है हमारे देश के अंदर वो है सर्वोच्च न्यायालय। यानी जब केंद्र और राज्य के मध्य कोई भी विवाद पैदा हो जाता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता अब है, और सर्वोच्च न्यायालय किसके आधार पर करता है? सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करने संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, और वो संविधान की व्यवस्था के अनुसार उसका निर्णय करता है। अब तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा हो गया निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित की गई है, और यदि इसमें क्या है राज्य और केंद्र के मध्य कोई विवाद हो जाता है वो न्यायपालिका द्वारा
निपटाया जाता है और न्यायपालिका की सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंची न्यायालय है और वो उनका निपटारा करता है। संविधान की सर्वोच्चता हमारे देश के अंदर जो विधि का शासन लागू है उसमें सबसे ज्यादा किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? संविधान, यानी देश का शासन संविधान के अनुसार ही चलाया जाएगा। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। यहां हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संप्रदाय है, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले व्यक्ति यहां निवास करते हैं, रंग रूप के अनुसार भिन्न है, वेशभूषा भिन्न है, पर शासन के हिसाब से सब संविधान के सामने सब बराबर हैं। किसी भी तरह से उसके धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक रूप को मानना अनिवार्य है और संविधान के अनुसार संपूर्ण शासन व्यवस्था संचालित होती। चौथा है एकल विश्व के कई देशों राज्य की नागरिकता भी है नागरिकों के पास और राष्ट्र की नागरिकता भी, परंतु भारत में एकल नागरिकता प्रदान की गई है संविधान में। पहले भारत में जम्मू और कश्मीर एक ऐसा स्टेट था, ऐसा राज्य था कि वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती थी। जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी होती थी उनके पास और भारत की नागरिकता भी होती, परंतु अब अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर संपूर्ण देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति, जैसे अपन राजस्थान के निवासी, तो अपने पास राजस्थान की नागरिकता भी हो और भारत की नागरिकता भी हो, वह दोहरी नागरिकता कहलाती है। परंतु हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अपन यदि राजस्थान के निवासी है तो अपने पास जो नागरिकता है वो भारत की ही है, नहीं कि राजस्थान की है। राजस्थान की नहीं है, केवल भारत की नागरिकता है, अपन केवल भारत के नागरिक है। इसलिए हमारे कहा जाता है साफ कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पहले जो जम्मू और कश्मीर था उसमें धारा 370 और 35 के अनुसार उस राज्य के अंदर दोहरी नागरिकता थी, जिसे समाप्त कर दिया गया। अब संपूर्ण देश में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, यानी भारत के नागरिक के पास दोहरी नागरिकता नहीं। अब तो पहला शासन सक्रिय के स्वरूप का स्पष्ट
विभाजन अपन अनुसूचित द्वारा किए गए देखा था। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका पढ़नी पड़ी, क्यों? इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय अपना स्वतंत्र न्याय देता है यदि जब संघ और राज्य के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाए। संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संविधान से ऊपर कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं। एकल नागरिकता संविधान में हमें एकल नागरिकता दी गई है, दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है कि राज्य की नागरिकता भी हो, संघ या भारत की भी नागरिकता हो, ऐसी व्यवस्था नहीं। पांचवा जो आधारभूत तत्व आता है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का संघ। अपने केंद्र सरकार के अंदर दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। जो उच्च सदन है व्यवस्थापिका का, जो उच्च सदन है वह राज्यों का सदन कहलाता है। उच्च सदन को किस से के नाम से जाना जाता है? जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका के संघ के विपरीत राज्यसभा में राज्यों के एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमेरिका के अनुसार इस सदन में सब राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, परंतु भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में ज्यादा होगा, और जिसकी जनसंख्या जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उसका प्रतिनिधित्व कम है हो। तो यह है केंद्रीय व्यवस्था के राज्यों का सदन, जो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन किस सदन को कहा जाता है? राज्यसभा। और उसका प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाता है? उस राज्य की जनसंख्या के। अब राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। हमारे देश में सर्वोच्च व्यक्ति या संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च प्रधान संवैधानिक प्रधान है। उसी तरह से राज्यों के अंदर राज्यपाल का पद निर्मित किया गया है और वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, और वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करता है। राज्यपाल का पद कई बार विवादों का मुद्दा बन गया। इस विवाद को हल करने के लिए जो व्यवस्था दी गई उसके अनुसार ये माना गया कि राज्य में विवाद होता था, परंतु राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण पद है जो विभिन्न समय में जब राज्यों में कोई भी संवैधानिक संकट
उस समय बड़ा ही प्रभावशाली रहा है और इसकी गरिमा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में केंद्र द्वारा नियुक्त होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करता है और ये राज्य का संवैधानिक प्रधान वो था। अब एकात्मकता का प्रभुत्व अंतिम क्या है? एकात्मकता का प्रभुत्व भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था है। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए केंद्र का या संघ सरकार का मजबूत होना जरूरी है। जब इसीलिए आपातकालीन उपबंधों का हमारे संविधान में भी व्यवस्था की गई। क्यों? कि जब संकट काल है तो पूरी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती और देश को संकट से बचाने के लिए तत्परता से वो कार्यवाही कर सकती है। तो संघ अपना ढांचा होते हुए, संघीय ढांचा होते हुए भी अनेक प्रावधानों के अंदर केंद्र ही के निर्णय को ही माना जाता है और विशेष रूप से जब निकट समय आता है जैसे आपातकालीन परिस्थितियां हैं, आर्थिक अधिकार है, राज्यों का पुनर्सीमांकन है, तो वो सब केंद्र सरकार के अधीन या संघ सरकार के अधीन होता है। इससे ये साफ प्रकट होता है कि संघीय व्यवस्था में एकात्मकता का प्रभुत्व निहित है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था के आधारभूत ये साफ तत्व है।